सर किस तरीके सिक्योरिटी मेजर्स आप लोगों ने अपने G20 को लेकर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है सर? नहीं, G20 जैसे मेगा इवेंट के लिए हमने कई सारे जो आयाम है सिक्योरिटी के, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिटेल, बहुत ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम का जो प्लानिंग की है। इसमें चाहे वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हो, चाहे रूट पे सिक्योरिटी हो, चाहे आपके प्लेस ऑफ स्टे पे सिक्योरिटी हो, जो इवेंट के वेन्यूज़ हैं वहाँ की सिक्योरिटी हो, डिग्निटरीज़ के पर्सनल सिक्योरिटी हो, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये प्लान बनाया गया है। और हमारे जो स्टाफ है उनको रोल बेस्ड ट्रेनिंग दे करके कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज की गई है, और उनके निरंतर रिहर्सल्स, ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग से हम इस जो हमारा प्लान है रेजिमेंट का, उसको हम ज़मीन पर जो है उसको आप समझ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरह की हमारी तैयारी है उससे हमें पूरी उम्मीद है, हम ये विश्वास है कि हम बहुत ही पुख्ता अरेंजमेंट्स दे पाएंगे। सर 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे सर, तो सर उसको लेकर एयरपोर्ट से मंडप तक किस तरीके की सिक्योरिटी सर रखी जाएगी सर? नहीं, ये सब तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और क्लासिफाइड सी इन्फॉर्मेशन है, इसको तो हम आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। आई होप आप इसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सर। तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है G20 को लेकर। ये खुद स्पेशल CP सिक्योरिटी थे, जिनका साफ तौर पर कहने की जो तैयारी है G20 को लेकर, तमाम तरीके के जो मेजर्स हैं, चाहे वो एंटी टेरर को लेकर हों, सभी मेजर्स पूरे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। कैमरामैन गंगा के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9।